गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। लास्ट हमने थर्ड सम तक कर लिया था, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ सम। उसमें हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो ये हमें क्या दे रखा है, 1/2 ऑफ 2/3, विच मीन्स ऑफ का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या होता है मीनिंग हमारे पास ऑफ का मीनिंग क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई। तो 1/2 ऑफ 2/3 विच मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 2/3। तो सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 वन जा 2 और 2 3 जा क्या होगा 6, तो 6 का क्या आ गया 1/3। अब क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है 1/3 का, विच मीन्स कि एक पिक्चर एक ऐसी बनानी है जिसमें 3 पार्ट्स हों और 1 उसमें क्या हो, कलरफुल हो, क्योंकि यही फ्रैक्शन होती है। तो इस तरह से हम डायग्राम बना लेंगे, 1 एंड देन 2। ये देखो ये हमारे पास कितने हो गए, टोटल 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स टोटल जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर, और जो न्यूमिनेटर होता है विच मीन्स जो हमारा क्या है 1, तो वो क्या होता है, कलर्ड होता है, यानी कि फिल किया होता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3। उसके बाद क्या है, 1/3 ऑफ 1/2 विच मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6, तो 1/6 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको 6 कॉलम बना लेने हैं और 1 उसमें क्या कर देना है, हमें फिल करना है, ठीक है। तो 1/6 हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है 45 मल्टीप्लाई 2/20। तो 45 मल्टीप्लाई 2, 20 1 जा 20। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे हमें क्या करना होता है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी से हम इसे कैंसिल करेंगे। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसलेशन होती है, न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम कैंसलेशन नहीं कर सकते। तो 2 10 जा 20 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में की थी। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में ऐसे दो कोई डिजिट्स हैं या दो कोई नंबर्स हैं जो सेम टेबल्स पर आते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 10 जा 20। तो उसके बाद देखो 45 और जो 10 है 5 के टेबल पर आता है, तो 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45, तो 9/2। अब इसे हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो डिवाइड करेंगे। तो 2 4 जा 8, तो 9 में से 2 गए 1, 1 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें कोशेंट प्लस ये हमारा क्या होता है, डिवाइज़र होगा, सॉरी डिवाइज़र हमारा क्या आएगा, डिनोमिनेटर, कोशेंट, डिनोमिनेटर एंड रिमाइंडर, डिनोमिनेटर कह लो या डिवाइज़र कह लो, ठीक है। तो कोशेंट हमारा क्या आया यहाँ पर 4, रिमाइंडर हमारा क्या आया है 1 एंड डिवाइज़र हमारा क्या था 2। तो ये हमारी क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं बी पार्ट की। तो वो दे रखा है 95 मल्टीप्लाई 5/38, तो 95 मल्टीप्लाई 5, 38 1 जा 38, तो ये हमारा क्या आंसर होता है 2, 19 पे 19 2 जा 38 एंड 19 5 जा 20 95। तो 5 5 जा 25 डिवाइड 2। तो सिमिलरली इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2 देन 5, 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गए 1। तो यहाँ पर हमारा कोशेंट क्या आया है 12, रिमाइंडर हमारा था 1 और डिवाइज़र हमारा था 2। ये हमारी क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। उसके बाद सिक्स्थ है फाइंड द रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, शिफ्टिंग द न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर, विच मीन्स दी गई फ्रैक्शंस को हमें क्या कर देना होता है, उल्टा कर देना होता है। जो न्यूमिनेटर था डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमिनेटर हो जाता है। तो ए पार्ट दे रखा है 2 3/4, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र, जो आंसर आएगा उसमें हम रिमाइंडर प्लस कर देते हैं। तो 2 4 जाए 8 प्लस 3 क्या होगा, 11/4। तो रेसिप्रोकल ऑफ 11/4 क्या होगा, 4/11। उसके बाद बी पार्ट है 17 दिया, सॉरी सी पार्ट है ये,
17 दिया गया है ओनली, विच मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन नहीं है। तो डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1 लगाते हैं, तो 1 लगाया 17/1 विच मीन्स 1/17। रेसिप्रोकल हमें फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, चेंज करना न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। ठीक है, क्या होता है रेसिप्रोकल, न्यूमिनेटर को किस में चेंज कर देता है, डिनोमिनेटर में। n बाय डी रेसिप्रोकल के बाद क्या हो जाती है, डी बाय एन, विच मीन्स डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमिनेटर नीचे आ जाता है। उसके बाद 7 क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमें पहले ब्रैकेट में गिवन्स फ्रैक्शन है उन्हें हम, तो गिवन फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे, 5/9 माइनस 12/45। तो 45 हमारा एलसीएम आएगा, तो 9 5 जा 45 विच मीन्स 5 5 जा 25, देन 12 क्योंकि 45 1 जा 45 होता है, तो 25 में से 12 गए, 13/45 मल्टीप्लाई 5/3, तो 5 9 जा 45 कैंसिल करेंगे, तो 13/9 3 जा 27। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद सी पार्ट है 2 -1/5 मल्टीप्लाई 2/3, देन एलसीएम लेंगे 5 आएगा, तो 5 2 10 -1 मल्टीप्लाई 2/3, तो 10 में से 1 गए, 9/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो 3 3 9, तो 3 2 6 और 6/5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 7 क्वेश्चन तक ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।